बात जो आपने बोली वो बड़ी प्रासंगिक है। वो ये है कि कुछ मुद्दे हमेशा उपयोगी रहते हैं जो विपक्ष ने उठाए हैं, चाहे वो जीते हो हारे हो। सबसे सोचने वाली बात, जरा 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, जी बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल एक मुद्दा है। मैं मानता हूं भाई, हर आदमी उससे परेशान है, असर पड़ता है। पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, सारी चीजों के दाम कम हो जाते हैं, बढ़ गए तो बढ़ जाते हैं। जी हाँ बेरोजगारी एक मुद्दा है, पिछले 60-70 सालों से रोजगार और नौकरियां एक मुद्दा है, बढ़ती हुई महंगाई एक मुद्दा है। ये सारे मुद्दे बड़े जेन्यून मुद्दे इन्होंने उठाए थे। अब सोचने वाली बात क्या है, हर वोटर इन मुद्दों के गिरफ्त में है, परेशान है और महसूस करता है। महंगाई को हर आदमी महसूस करता है कि चीजें महंगी हो गई। इसके बाद भी उसने जो ये दुनियावी मुद्दे हैं ना, उन मुद्दों का त्याग क्यों कर दिया और आसमानी मुद्दों की तरफ क्यों झुक गया, जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आसमानी मुद्दे थे। अब इसका उत्तर भी सुन लीजिए, मैं आप जी क्लियर कर देता हूं। उसके पीछे कारण है, आज अगर वोटर ने दुनियावी सारे मुद्दे, महंगाई, ये वो, अपने व्यक्तिगत हित को जो है त्याग दिया, तो उसके पीछे कारण ये है, महाराणा प्रताप को भी यही लालच दिया गया था, मनसबदारी ले लो, हम तुमको राजा बना देंगे, लेकिन तुम जो है हमारा साथ दो, समर्पण कर दो। ऐसे बहुत उदाहरण पड़े हैं, एक उदाहरण है, महाराणा प्रताप ने ना कर दिया। देश की जनता के लिए मुद्दा क्या है? आज की महंगाई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा सोच रही है आज के 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, वो आसमानी मुद्दे क्या होंगे। आप ये देखिए, सोशल सिक्योरिटी जी का मतलब सड़कें सुरक्षित है कि ठीक नहीं है, दंगे हो रहे हैं, जी कहीं कुछ हो रहे हैं, जी इस फर्क को समझना पड़ेगा। वोटर ठीक वोटर क्यों जी सेक्रीफाइस कर रहा है इन ठीक दुनियावी ठीक है चीजों को? मिश्रा जी,